जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में एक मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की गंभीर स्थिति के बाद भी उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती न करके जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बहुत जिला अस्पताल विक्टोरिया में आज शाम एक मरीज की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक मरीज रमाकांत सोनकर को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने उन्हें अस्पताल के सामान्य वार्ड में भर्ती करा दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की हालत गंभीर थी, उसके बावजूद भी उन्हें आईसीयू वार्ड की जगह जनरल वार्ड में भर्ती करवाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नर्स वगैरह रहती हैं, उन्हें अपना काम किए, जो करते बने तो कोई नहीं करे, मगर डॉक्टर कोई देखने ही आया कि क्या सिचुएशन है, कैसा है पेशेंट, कैसा नहीं है, कोई ने कुछ नहीं देखा। ये टोटल मैडम वैशाली की मैडम की लापरवाही है, जो हमने उन्हें रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट करने के बाद ही इस मैडम ने वहाँ का अपना आईसीयू वार्ड का नहीं दिया। सात से आठ अपना बेड वहाँ खाली है, खाली होने के बाद ही मैडम ने नहीं दिया, सीधा बोले लेके जाओ, और बताया भी अस्थमा वाले पेशेंट है। उसके बाद ही मैडम ने कुछ नहीं सुनी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई चीज नहीं सुनी मैडम ने। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने परिजनों को मामले की जांच का आश्वासन दिया है। घर के परिजन की मृत्यु हो गई है, इस संबंध में सीएमएचओ साहब को अवगत कराया गया है और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी कोई सत्र ऐसी आते हैं तो इस मामले में निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। मरीज की मौत को लेकर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। पुलिस से मिले आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए।